हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब, जो कि बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे। और पार्ट थ्री रहेगा ये सहायक क्रिया, भूतकाल सहायक क्रिया। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो कि पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब, उनकी जो वर्ब्स होती हैं वो है वाज, वर, हैड, डिड, वीन। क्या? वाज, वाज, वर, हैड, डिड, वीन। ओके, चलिए फिर इनके पर्सन देख लेते हैं। पर्सन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम यूज करेंगे इनको सिंगुलर और प्लूरल में। फर्स्ट पर्सन आपका हो जाता है वो आई आएगा, तो आई के साथ हम यूज कर सकते हैं वॉज, डिड, हैड। प्लूरल की अगर बात करें, वी के साथ, जो फर्स्ट पर्सन वी के साथ हम यूज करेंगे वर, डिड, हैड। फिर आता है आपका यू, सेकंड पर्सन, उसके साथ वर, डिड, हैव, हैड हम यूज करेंगे वर, डिड, हैड। यू के साथ वर, डिड, हैड। और प्लूरल में भी यू का सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहेगा, यू के साथ वर, डिड, हैड हम यूज करते हैं। फिर थर्ड पर्सन के साथ ही सी एट के साथ जो है वाज, डिज, वाज, डिड, हैड, वाज, डिड, हैड, ये यूज करेंगे सिंगुलर। और प्लूरल की हम बात करें तो दे, वर, डिड, हैड। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, नए टिप्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो रिलेवेंट होता है, आप कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर आपको आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, फॉर्मूला या कोई सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर होते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट में। आपके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतने ही रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप बने रहना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपके अकॉर्डिंग आप कैच कर सकते हैं। इनको फॉलो, सब्सक्राइब आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतने ही रखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।